अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ पबजी के ऊपर। तो यार पबजी को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कितना अरसा पबजी पाकिस्तान के अंदर बैन रहेगी। लेकिन यहाँ पर पबजी बैन से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को हो रहा है। तो यार सबसे पहले यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है ये हॉलीवुड से बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हॉलीवुड जो है अराउंड अबाउट 50 बिलियन की इंडस्ट्री है, तो यहां पर 160 बिलियन यूएस डॉलर्स की यहां पर गेमिंग इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहां पर गेमिंग इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान के अंदर भी काफी ज्यादा ऊपर परवान चढ़ रही थी, और यहां पर काफी ज्यादा ऐसे यूट्यूबर्स थे और गेमर्स थे जो कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो इवेंट्स वहां पर पार्टिसिपेट करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट के बैन की वजह से ऑफिशियल जो थे उन टूर्नामेंट्स के, उन्होंने पाकिस्तानी जो टीम्स थी उनको बीच में से नॉकआउट कर दिया, उनको निकाल दिया। और यहां पर सिंपली नुकसान सिर्फ उन लोगों का हुआ जो लोग यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करते थे, बिजनेस करते थे थ्रू पबजी, या फिर वो जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे। अब यहाँ पर कितना अरसा और बैन रहेगी पबजी? तो यार यहाँ पर ज़्यादा देर अब पबजी बैन नहीं रह सकती, क्योंकि सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पीटीए ने जो कंप्लेन सेंटर आपको बनाकर दिया था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन जो थी वो इसके खिलाफ हुई थी, पबजी बैन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर लाहौर हाईकोर्ट में भी ये जो केस था ये काफ़ी ज़्यादा वीक होता जा रहा है पबजी के बैन के अगेंस्ट, और यहाँ पर इसलिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि विद इन 1 वीक और 2 वीक आपको यहाँ पबजी जो है दोबारा खेलने को मिल जाए विदाउट एनी VPN, और यहाँ पर किसी प्रॉक्सी के बगैर आप पबजी को एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी पबजी से रिलेटेड, वहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सारी चीज़ें जो मैंने कही थी वो पीटीए ने सारी आपको रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि इन वजूहात की बिना के ऊपर पबजी को बैन किया जा रहा है। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं था यहाँ पर। मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर सिंपली ये है कि अगर आपने कोई चीज़ बैन करनी है, कोई इस तरह की आपको चीज़ लग रही है, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा बच्चों को डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ लेके जा रही है, तो यार यहाँ पर ये हो सकता था कि आप 18+ करके कुछ इस तरह का कर देते कि 18 साल से कम ऊपर बच्चे ना खेलेंगे, कुछ इस तरह का हो सकता है। और वैसे जो पेरेंट्स हैं उनको खुद अपने बच्चों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और यहाँ पर मैं भी यार पबजी खेलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पबजी वगैरह नहीं खेलता, लेकिन 1 से 2 गेम उसके बाद मैं नहीं खेलता। उसके बाद कुछ लोगों से 3-4-5 घंटे लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो उनका बिजनेस है वो करते रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी ये कहा था कि 2018 के अंदर गेमिंग जो है आपके दिमाग को थोड़ा सा इलनेस की तरफ लेके जाती है। और उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बाद में कह दिया था कि इसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते वाकई हर बंदे को मेंटली ये अपसेट करती है या नहीं। और यार यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पबजी जो थी वो गेमिंग इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा रही थी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड। और यार पाकिस्तान के अंदर हमेशा से हमने ये देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रही होती हैं और उनको बैन कर दिया जाता है, और जब फिर पूरी दुनिया उनको घिसा पिटा के छोड़ देती है तो उनको वापसी पाकिस्तान में लाया जाता है और फिर हमारे पास एक्सपर्ट वगैरह मौजूद नहीं होते। तो यहाँ पर जिसकी वजह से हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे चलते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर एक गेमिंग इंडस्ट्री ऐसी थी जो कि कम्पीट कर रही थी वर्ल्ड लेवल के ऊपर जापान के ऊपर। मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने वहाँ से कॉम्पिटिशन जीत किया था, Tekken 7 का आई थिंक कॉम्पिटिशन था, वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जापान के अंदर हुआ था, तो वहाँ पर पाकिस्तान का एक सबसे लाली परचम जो है लहरा के आए थे कुछ लोग। तो यहाँ पर ऐसे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अगर गवर्नमेंट बैन कर रही है कोई भी गेम, तो यहाँ पर आई थिंक उसको दोबारा उस फैसले को नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और यार यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि इतना कॉन्फिडेंशियली मैं कैसे कह सकता हूँ कि कुछ अरसे के अंदर पबजी दोबारा अनबैन हो जाएगी? यार देखें, यहाँ पर काफ़ी अरसे पहले आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो पाकिस्तान के अंदर बैन होती रही हैं, लेकिन जब वो मामला वगैरह हल्के फुल्के ठंडे हो जाते हैं तो फिर दोबारा उन चीज़ों को अनबैन कर दिया जाता है और जैसी चीज़ें चल रही होती हैं उनको वैसे चलाया जाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की ऐप्स वगैरह ब्लॉक हुई हैं, बैन हुई हैं, उसके कुछ अरसे बाद उनको अनबैन कर दिया गया था। तो यहाँ पर अगर आप पबजी लवर हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिनों के अंदर आपको पबजी आपकी वापस मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन नुकसान हो रहा है वो यूट्यूबर्स का हो रहा है जो कि लाइव स्ट्रीम करते थे, जिनका बिजनेस था थ्रू पबजी, और उन लोगों का जो कि प्रॉपर प्रोफेशनल गेमिंग की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के अंदर और वहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इस लिहाज से भी सोचना चाहिए, पीटी को थोड़ा सा इस लिहाज से भी सोचना चाहिए, और कुछ ऐसे लोगों को भी इंडक्ट करना चाहिए अपने अंदर जो कि प्रॉपर गेमिंग के हवाले से, या बिटकॉइन अगर बैन है तो उसके हवाले से उनको नॉलेज वगैरह हो। तो यार यहाँ पर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया कि पबजी बैन अगर होनी थी तो अगर कोई मसला था भी तो 18+ करके कुछ इस तरह का आप कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर वे के अंदर पबजी को बैन नहीं होना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था और लास्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया, जिसकी वजह से आप लोगों को शायद लग रहा था मैं बोल रहा हूँ कि इससे पबजी खेलने से डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, इस तरह के इश्यूज वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा पर्सनली मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। तो यार अब आप लोग
मुझे कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि आप लोगों के ख्याल से पबजी बैन कब तक हट जाएगा और आपका क्या ख्याल है, ये बैन सही था और या फिर 18 प्लस करके कुछ इस तरह करते कि 18 प्लस जो है वो लोग खेल सकते हैं, उससे नीचे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा दे। अगर पेरेंट्स को इतना ज़्यादा इश्यूज हैं और अगर वो हाई कोर्ट तक जा रहे हैं तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।